राजस्थान मालवा की शान चित्तौड़गढ़, जो कि गंभीर और बेरछा नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक शहर है, जिसका किला सदियों से इसकी गौरव गाथा का बखान कर रहा है। चित्तौड़ का किला एशिया का सबसे बड़ा किला है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यूं तो लोक कथाओं के अनुसार चित्तौड़ में 5 पांडवों में से एक भीम अमर होने की तलाश में चित्तौड़गढ़ के इस किले की तरफ आए थे, परंतु चित्तौड़ का वास्तविक इतिहास शुरू होता है मौर्य राजवंश से। 7वीं सदी में राजा चित्रांग मौर्य इस किले की नींव रखते हैं। राजा चित्रांग के नाम पर ही इस किले का नाम चित्रकोट रखा गया है, जो कि बाद में चित्तौड़ बन गया। यह किला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां से राजपूताना के साथ साथ मालवा पर भी नियंत्रण किया जा सकता। 8वीं सदी में मौर्य वंश के अंतिम राजा मनु मौर्य से यह किला चित्तौड़ के गुहिल या गहलोत राजवंश के बप्पा रावल के अधिकार में आ जाता है। कुछ लोगों के अनुसार यह उन्हें दहेज में मिला था। चित्तौड़ के जयमल फत्ता तालाब पर 9वीं सदी के बौद्ध धर्म के स्तूप तथा शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अन्य इतिहासकारों के मतानुसार मौर्यों से यह चित्तौड़ का किला अरब आक्रमणकारियों ने जीत लिया था, जिसे बप्पा रावल ने प्रतिहार राजा नागभट्ट के साथ मिलकर जीत लिया था। परंतु फिर भी चित्तौड़ गुहिल वंश की राजधानी नहीं बन पाया था। गुहिल वंश की राजधानी पहले मध्य प्रदेश स्थित नागदा तथा उसके बाद राजस्थान स्थित आहड़ या आघट्टा बना था। 10वीं सदी में परिमार शासक मुंज या फिर वाकपति द्वितीय गुहिलों को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं। 11वीं सदी में चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक जय सिम्हा ने परमार राजा को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया, जिससे चित्तौड़ भी उनके नियंत्रण में आ गया। 12वीं सदी में एक बार यह किला फिर से गुहिलों के शासन के अधीन आ जाता है। एक और बात जानने लायक है, सन 1160 में रावल करण सिंह ने गुहिलों की रियासत का बंटवारा 2 हिस्सों में कर दिया था। बड़े भाई खेम सिंह को जो हिस्सा दिया था वह चित्तौड़ के रावल कहलाए, छोटे भाई महाप सिंह सिसोदा को जो हिस्सा दिया गया वह राणा कहलाए। रावल खेम सिंह ने ही आगे जाकर चित्तौड़ के किले को विकसित किया। 1273 में रावल समर सिंह मेवाड़ की राजधानी आहड़ से चित्तौड़ ले गए और चित्तौड़ के किले को उन्होंने और भी सुरक्षित बनाया। सन 1302 में रावल समर सिंह के पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ के महारावल बनते हैं। उनका विवाह सिंहलेस यानी आज के श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के साथ हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे पद्मावत के अनुसार दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की सुंदरता से आकर्षित होकर चित्तौड़ पर हमला करने आया था, परंतु इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जैसा कि उसने अन्य राजस्थान के राज्य को जीतने के लिए किया था। अब बात करें इस आक्रमण की, तो अलाउद्दीन खिलजी इस किले की तलहटी में अपनी विशाल सेना को लेकर बैठ गया था। करीब 2 महीने तक असफल कोशिशों के बाद 26 अगस्त 1303 में वह किले में घुसने में कामयाब हो जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए थे तथा कुछ के मुताबिक वह बच गए थे। किले में इसके बाद हुए जौहर पर भी इतिहासकार एकमत नहीं है। इस युद्ध के बारे में हमें इतनी सारी अलग अलग जानकारी मिलती है कि किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे पद्मावत की बात करें, राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच में एक संधि होती है, जिसके अनुसार राजा रतन सिंह उसे कांच में से ही रानी पद्मावती को दिखाने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद छल से अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कैद कर लेता है, जिसे छुड़ाने के लिए रानी पद्मावती अपने दासियों के भेष में अपने सैनिकों को भेजती है, जिसने अपने गोरा और बादल की वीरता के किस्से तो सुने ही होंगे। इसके बाद
रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध होता है उसमें रावल रतन सिंह मारे जाते हैं तथा इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ के किले में आती है तब रानी पद्मावती सहित कई सारी राजपूत शत्राणियां अपनी आबरू की रक्षा के लिए जौहर कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद अपने बेटे को चित्तौड़ का सूबेदार बनाया जिसका नाम खिजर खान था। उसके नाम पर ही चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। 1326 में राणा लक्ष्मण सिंह के भतीजे हमीर सिंह ने खिजर खान से चित्तौड़ को वापस हासिल कर लिया था। तब से मेवाड़ पर सिसोदा के राणाओं का अधिकार हो गया। सन 1433 में राणा कुंभकर्ण उर्फ राणा कुंभा चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का खोया हुआ वैभव वापस लौट आया। राणा ने पहले अपने राज्य को मजबूत बनाया फिर उसका फैलाव किया। नवंबर 1442 में राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हरा दिया। राणा कुंभा ने सांभर अजमेर और रणथंबोर को भी जीत लिया। मालवा के अधीन आने वाले डूंगरपुर कोटा तथा बूंदी को भी अपने अधीन कर लिया। राणा कुंभा ने नागौर को भी 1456 में अपने अधीन कर लिया। राणा कुंभा ने गुजरात के अहमद शाह की सेना को पूरी तरह नस्त नाबूद कर दिया जो कि उनके राज्य पर चढ़ाई कर रही थी। राणा की रण कुशलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि राणा ने एक साथ महमूद खिलजी ऑफ मालवा, अहमद शाह सेकेंड ऑफ गुजरात, शम्स खान ऑफ नागौर तथा राव जोधा ऑफ मेवार को एक साथ संघर्ष किया तथा उन्हें कभी जीतने नहीं दिया। राणा ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते बल्कि बहुत सारी अद्भुत इमारतें भी बनवाई जिसे चित्तौड़ का विजय स्तंभ जिसे राणा ने मालवा तथा गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कुंभगढ़ का किला राणा की अद्भुत देन है। यह राजस्थान का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। इसकी दीवारें 36 किलोमीटर लंबी है जिसके कारण इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 1509 में राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं। राणा के काल में चित्तौड़ का वैभव अपने चरम पर था। राणा का राज्य सतलज से नर्मदा नदी तक फैला था। राणा ने इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में हरा दिया था। राणा ने गुजरात को भी युद्ध में बुरी तरह खदेड़ दिया था। राणा ने अब राजपूतों को इकट्ठा कर दिल्ली पर पुनः हिंदू शासक को बिठाने का निश्चय किया। तो राणा और बाबर की मुगल सेना के बीच युद्ध होता है जिसे कानवा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में राजपूत मुगलों की उन्नत तोपों बंदूकों तथा गोला बारूद के आगे टिक नहीं पाते और इस युद्ध का परिणाम मुगलों के पक्ष में आता है। राणा इस युद्ध को हारने के बाद भी फिर से बाबर को युद्ध में हराने का निश्चय करते हैं परंतु उनके मंत्रियों में से ही कोई एक उन्हें जहर देके मार देता है। 1535 में बहादुर शाह चित्तौड़ के किले को हत्या लेता है। यहाँ पर पन्ना दहाए अपने बेटे की कुर्बानी देकर मेवाड़ के वंश महाराणा प्रताप को बचा ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद यहाँ पर 13,000 राजपूत औरतें अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर कर लेती है। इसके 33 साल बाद यानी 1567 में अकबर एक बहुत बड़ी सेना और तोपखाने के साथ चित्तौड़ पर हमला करता है और राणा उदय सिंह द्वितीय को हरा देता है। इसके बाद काफी उठापटक चलती रही। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है क्योंकि महाराणा प्रताप अन्य राजपूत राजाओं की तरह मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करते। राणा प्रताप जंगलों तथा पहाड़ियों में अपने लोगों को इकट्ठा कर स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। इस युद्ध में महाराणा मुगल सेना जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे उनके बीच शक्ति का अनुपात 1:4 था। महाराणा की सेना मानसिंह की सेना के आगे 4 गुना कम थी। युद्ध बड़ा घमासान होता है और इस युद्ध के अंत में मुगल ना तो महाराणा प्रताप को जान से मार पाते हैं और ना ही महाराणा प्रताप की सेना मुगलों के आगे आत्मसमर्पण करती है।
तो इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि मुगलों को कुछ और जमीन का भूभाग मिल जाता है और महाराणा प्रताप आगे 21 साल एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में लगातार स्वतंत्रता की अलख जगाए रखते हैं। 19 जनवरी 1597 को राणा एक शिकार के दौरान लगी चोट के कारण घायल हो जाते हैं तथा इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह संघर्ष जारी रखते हैं, परंतु लगातार युद्ध के कारण मेवाड़ की आर्थिक एवं सैनिक शक्ति कमजोर हो जाती है तथा जहांगीर के बेटे शाहजहां और अमर सिंह के बीच 1615 में एक समझौता होता है जिसमें मेवाड़ चित्तौड़ सहित उन्हें दे दिया जाता है, पर उन्हें कभी भी चित्तौड़ किले की मरम्मत करने की अनुमति नहीं दी जाती तथा उन्हें 5,000 की हैसियत से मुगलों का दरबारी बना दिया जाता है। इसके बाद राणा करण सिंह द्वितीय आते हैं जिनके शासन में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरती है। इन्हीं के काल में आगरा के ताजमहल का भी निर्माण होता है। फिर राणा जगत सिंह प्रथम आते हैं जो कि चित्तौड़ के किले की टूटी हुई दीवार को फिर से मजबूत बनाते हैं। इससे शाहजहां नाराज हो जाता है क्योंकि यह पूर्ववर्त संधि का उल्लंघन था। इसके परिणाम स्वरूप इस दीवार को पुनः तोड़ा जाता है तथा नई संधि की जाती है। इसके बाद राज सिंह प्रथम राणा बनते हैं। उनके बाद उनके बेटे राणा जयसिंह मेवाड़ का शासन 1680 में संभालते हैं और राजा जयसिंह फिर से मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। राणा जयसिंह अपने दीवान दयाल दास को मालवा पर आक्रमण करने भेजते हैं, जिसमें वह कामयाब हो जाते हैं तथा मांडू और धार को मुगलों को हराकर जीत लेते हैं। और अंततः औरंगजेब परेशान होकर अपने तीनों पुत्रों के साथ राणा जयसिंह पर आक्रमण कर देता है। औरंगजेब की सेना राणा की सेना से 5 गुना ज्यादा बड़ी थी, परंतु राणा अपनी सूझबूझ से औरंगजेब की विशाल सेना को हरा देते हैं। इसके बाद इनके पुत्र अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासन संभालते हैं तथा सारे राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश भी करते हैं। ये जजिया टैक्स के खिलाफ भी लड़ते हैं जो कि हिंदुओं को धार्मिक यात्रा के समय देना पड़ता था। 1710 में राणा संग्राम सिंह द्वितीय मेवाड़ के राणा बनते हैं। इस समय मुगल शासन बहुत कमजोर हो गया था तथा मराठा एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे। इस समय संग्राम सिंह अपने राज्य को समृद्ध एवं सशक्त बनाते हैं। इनके बाद राणा जगत सिंह द्वितीय आते हैं जिनके समय मेवाड़ का राजकोष पूरी तरह से खाली हो जाता है तथा यह जयपुर से युद्ध भी हार जाते हैं। इसके बाद कोई भी राणा इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है तथा मराठा लगातार चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां अपना प्रभाव जमा लेते हैं। 1818 में राणा भीम सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। इसके बाद सन 1947 में चित्तौड़ भारत की आज़ादी के साथ ही राजस्थान प्रदेश का हिस्सा बन जाता है। चित्तौड़ का किला आज भी गवाह है अपनी 1300 साल की राजनीतिक विरासत का। इस किले ने यूं तो कई सारे युद्ध देखे जिसमें से बस 3 युद्ध ही राजपूत हारे तथा बाकी के सारे युद्ध वह जीते थे। चित्तौड़ का किला गवाह है अपनी आबरू को बचाने वाली उन शत्राणियों के जोहर का। चित्तौड़ का किला गवाह है पन्ना दहाई के बलिदान का। इसी बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी चित्तौड़ के किले में राणा सांगा की बहू मीरा भाई भी थी। मीरा भाई जिसने कृष्ण के प्रेम की एक अद्भुत मिसाल प्रदान की जो कि हमें इतिहास में कभी भी देखने या सुनने को नहीं मिलती। यहीं पर हम चित्तौड़ के इतिहास की इस कड़ी को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह आपको आज हमारा चित्तौड़ के ऊपर यह संक्षिप्त जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दें।